हेलो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको चिड़िया रानी कविता पढ़ाई थी, तो चलिए एक बार फिर से इस कविता को दोहरा लेते हैं। चिड़िया रानी बड़ी सयानी पेड़ों पर सो जाती है, बड़े सवेरे जल्दी उठकर सबको गीत सुनाती है। चिड़िया रानी बड़ी सयानी पेड़ों पर सो जाती है, बड़े सवेरे जल्दी उठकर सबको गीत सुनाती है। घर आंगन धान खेत में दाना चुगने जाती है, हमसे कभी नहीं वह डरती, पास पास आ जाती है। जब हम उसे पकड़ने जाते हाथ नहीं वह आती है, पंख फैलाकर आसमान में खुद से उड़ जाती है। ये कविता हमने सीखी थी। अब हम इसमें आए कठिन शब्द पढ़ेंगे। कठिन शब्द चिड़िया, गीत, आंगन, आसमान, रानी, पंख, दाना, सवेरे, घर, हाथ। फिर से वो पढ़ते हैं। चिड़िया, गीत, आंगन, आसमान, रानी, पंख, दाना, सवेरे, घर, हाथ। तो बच्चों, इस ये जो कठिन शब्द है इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ। अपनी क्लास में नोटबुक निकालिए, चिड़िया रानी लिखिए और एक कठिन शब्द जो है उसे लिख लीजिए। बच्चों, अब मैं इसे रफ कर दूंगी। चलिए बच्चों, अब हम इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। चिड़िया, चिड़िया का मतलब होता है बर्ड, BIRD बर्ड। अपने नोटबुक में लिखिएगा। ये सेकंड मैन है, सेकंड मैन। फर्स्ट मैन अब तो मैंने कठिन शब्द दिए थे, ये सेकंड मैन है चिड़िया, इसका मतलब बर्ड, BIRD बर्ड। गीत, गीत जो है सॉन्ग। आंगन, आंगन मीन्स कोर्ट यार्ड, CourtYard, कोर्ट यार्ड। आसमान, आसमान का मतलब होता है स्काई, SKY स्काई। रानी, रानी मीन्स क्वीन, QUEEN क्वीन। पंख, पंख मीन्स विंग, WING विंग। फिर दाना, दाना मीन्स ग्रेन्स, GRAINS ग्रेन्स। सवेरे, सवेरे मीन्स मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। उसके बाद घर, घर मीन्स होम। हाथ, हाथ मीन्स हैंड। आप उसे लिख लीजिए, मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। पहला शब्द है चिड़िया, बर्ड, गीत, सॉन्ग, आंगन, कोर्टयार्ड, आसमान, स्काई, रानी, क्वीन, पंख, विंग, दाना, ग्रेन्स, सवेरे, मॉर्निंग, घर, होम, हाथ, हैंड। तो बच्चों, आपने इसे लिख लिया, अब मैं इसे मिटा रही हूँ। अब थर्ड मैन लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो पहला प्रश्न है वो क्या है, चिड़िया रानी कहाँ सोती है। आपने वो कविता पढ़ा, ये कविता जो है चिड़िया रानी का पढ़ा है, चिड़िया रानी बड़ी सयानी पेड़ों पर सो जाती है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि चिड़िया रानी कहाँ सोती है। चिड़िया रानी पेड़ों पर सोती है। कहाँ सोती है, पेड़ों पर सोती है। ठीक है, चिड़िया रानी पेड़ों पर सोती है। अब दूसरा प्रश्न है, चिड़िया गीत कब सुनाती है। आपको पहला ही जो पैराग्राफ उसी में मिल जाएगा, चिड़िया रानी बड़ी सयानी पेड़ों पर सो जाती है, बड़े सवेरे जल्दी उठकर सबको गीत सुनाती है। तो चिड़िया गीत कब सुनाती है, चिड़िया गीत सवेरे सुनाती है। चिड़िया गीत सवेरे सुनाती है। आप लोग ये जो प्रश्न उत्तर है इसे लिख लीजिए, मैं आपको थोड़ा समय दे रही हूँ, इसे आप लिख लीजिए।
आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब मैं बोर्ड को रब कर दे रही हूँ। अब देखिए प्रश्न, तीसरा प्रश्न का, चिड़िया दाना चुगने कहाँ जाती है? चिड़िया दाना चुगने घर घर आंगन खलियान खेत में जाती है। चिड़िया दाना चुगने घर आंगन खलियान खेत में जाती है। आप इसे लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। इसके बाद जो लास्ट प्रश्न है, चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है? चिड़िया आसमान में पंख फैलाकर उड़ती है। आप लोग इसे नोटबुक में लिख लीजिए। ये प्रश्न है, इसका उत्तर मैं ऊपर में लिखूंगी। आप लोगों ने शायद ये लिख लिया है, ये वाली, इसे मैं उतार मिटा के इसका उत्तर लिखूंगी। चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है? चिड़िया आसमान में पंख फैलाकर उड़ती है। लिख लिया आप लोगों ने। मैं अब पहला प्रश्न जो है उसको रब कर रही हूँ। इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर मैं लिखूंगी यहाँ पर। चिड़िया आसमान में पंख फैलाकर उड़ती है। चिड़िया, ये उत्तर है बच्चों इस प्रश्न का, घ प्रश्न का ये उत्तर है। चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है? चिड़िया आसमान में पंख फैलाकर उड़ती है। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? कठिन शब्द, उसके बाद शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर, और चिड़िया जो नामक कविता है उसे हमने एक बार पढ़ा। चलो ये क्लास खत्म होने से पहले और एक बार इस कविता को दोहरा लेते हैं। चिड़िया रानी बड़ी सयानी पेड़ों पर सो जाती है, बड़े सवेरे जल्दी उठकर सबको गीत सुनाती है। घर आंगन खलिहान खेत में दाना चुगने जाती है, हमसे कभी नहीं वह डरती, पास पास आ जाती है। हम जब उसे पकड़ने जाते, हाथ नहीं वो आती है, पंख फैलाकर आसमान में फिर से उड़ जाती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है? धन्यवाद बच्चों।